जहां देश में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। मामला राजस्थान के 12 जिले में छबड़ा क्षेत्र के नीमथूर गांव का है, जहां लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया है। लोगों द्वारा सरकार से की गई मांग पूरा न होने पर लोगों ने यह फैसला लिया। लोगों ने बताया कि पुलिया न बनने से वह वोट डालने नहीं जा रहे हैं। गांव वालों की मांग है कि पुलिया नहीं होने से सभी गांव वाले की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कई बार वह मांग उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। गांव वालों के वोट के बहिष्कार के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सभी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु गांव के लोगों की मांग पूरी न कर सके। मांग पूरी न होने पर लोगों की निराशा साफ जाहिर होती है, जिसकी वजह से उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया। कहीं लोगों ने वोट का बहिष्कार किया तो वहीं दूसरी ओर वोट डालने जा रहे लोगों से ईवीएम खराब होने की शिकायत मिलने लगी। बूंदी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्धारित समय पर मतदान का कार्य शुरू हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने के बाद उन्हें बदला गया। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार पोलिंग बूथों पर खास तैयारी की गई है। खास बात यह है कि मतदाताओं को गर्मी नहीं लगे, इसके लिए अधिकतर जगहों पर टेंट लगा रखे हैं। पानी की भी व्यवस्था की गई है। चिकित्सा टीम भी अलर्ट पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बूंदी जिले में कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा संसदीय सीट के लिए 900 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 8.8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।